मंदसौर शहर में शिवना नदी पर रेलवे ब्रिज का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। डबल पटरी का कार्य शुरू हो गया है। 10 पियर बनेंगे, 6 पियर के गड्ढे पर कार्य चल रहा है। 2 महीने के अंदर 4 पियर के गड्ढे भी तैयार हो जाएंगे। करीब 1 वर्ष 6 माह का समय अभी बाकी है। 1.5 वर्ष के समय में ब्रिज बनकर कम्प्लीट हो जाएगा। LNT मिशन द्वारा कई फीट गहरा गड्ढा खोदकर चैम्बर तैयार किए जा रहे हैं और नीचे से ही लोहे के सलियों की जाली बनाकर चैम्बर तैयार किए जा रहे हैं। अभिजीत सिंह ने बताया कि बारिश से पहले 2 फाउंडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। बारिश में भी कार्य चालू रहेगा। बहुत जल्द समय अवधि में ब्रिज का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सर, ये अभी अगले मानसून तक इसको खत्म करना है हमको। हमारे पास में 1 से 1.5 साल का टाइम और है अभी, और इसमें टोटल 10 पियर आ रहे हैं। 10 पियर में से हम 6 पियर पे काम कर चुके हैं। अभी गड्ढे हो गए उनके, आगे की प्रोग्रेस अभी चल ही रही है। 1 गड्ढे का अभी राफ्ट कंप्लीट हो गया है और 4 पियर और बचेंगे फिर हमारे पास में आगे के लिए। दीपावली बाद फिर उनको ऊपर फोकस करेंगे। अभी कितने फाउंडेशन का काम चल रहा है? अभी 2 का चल रहा है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला? 2 का, इनका ये 2 अभी नेक्स्ट वीक तक हो जाएंगे। यहाँ का तो अभी रेलवे का ब्रिज चल रहा है। तो अभी क्या काम चल रहा है? अभी फाउंडेशन का काम चल रहा है। कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद? ये फाउंडेशन का 2 दिन का मेरा उम्मीद है, परसों तक शायद फाइनल हो जाएगा। एक फाउंडेशन बनाना कितना समय लगता है? कम से कम 1 हफ्ता निकल जाता है। 1 हफ्ता सारे फाउंडेशन बनाने में कितना समय लगता है? सारे फाउंडेशन के हिसाब से तो अभी आदमी आएगा तो वो हिसाब से एक ये 4 खड्डे का तो हो जाएगा ये महीने में। बारिश पहले पहले हो सकता है कि बारिश में चलता रहेगा? बारिश में तो चलता रहेगा, ऊपर का काम चलता रहेगा। मंदसौर से PD बैरागी की रिपोर्ट।